हेलो एवरीवन, आज मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ होम डेकोर की डीआईवाई आइडिया, जिसे हम बनाने वाले हैं वेस्ट कार्डबोर्ड से, जो कि बहुत ही इजी है। सो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। साथ ही आप मेरे फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं शॉर्ट्स वीडियोज़ के लिए। सो चलिए डीआईवाई को स्टार्ट करते हैं। तो आज के डीआईवाई के लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ ये कार्डबोर्ड, और इसके ऊपर से आपको इस तरह से पेपर को रिमूव कर लेना है एंड इसे आपको पेटल के शेप पे कट कर लेना है। सो यहाँ पे मैंने टोटल 5 साइजेस में इन पेटल्स को कट कर लिया है एंड उसके बाद में आपको इन पेटल्स के बीच में इस तरह से कट मारना है एंड इसे आपको स्टिक कर लेना है। आप स्टिक करने के लिए फेविबॉन्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपको दूसरे कार्डबोर्ड पर 10 सेंटीमीटर का एक राउंड कट कर लेना है एंड इन पेटल्स को आपको 1 by 1 इसके ऊपर लगा देना है। तो हर एक साइज़ के मैंने 9 पेटल्स कट किए हैं। सो इस 9 पेटल्स को इस तरह से आपको स्टिक करते जाना है एंड इन पेटल्स को मैंने 12 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर में कट किया था एंड इसी तरह से आपको भी कर लेना है। इसके बाद में आपको 2 सेंटीमीटर की एक स्ट्रिप लेना है और उसे आपको फोल्ड करके इस तरह से साइड साइड से कट कर लेना है। उसके बाद इसे आपको ओपन करना है एंड राउंड तरीके से फोल्ड करना है, जिसका इस्तेमाल हम इसे सेंटर में स्टिक करने के लिए लगाएंगे। तो इस तरह से आपको इसे राउंड फोल्ड करना है, उसके बाद में आपको दोनों हाथों से इसे ओपन करना है। अब इसके बाद में हमें इसे इस फ्लावर के सेंटर में स्टिक कर लेना है एंड स्टिक करने के लिए आपको फेविबॉन्ड का इस्तेमाल करना है। सो ये हमारा फ्लावर रेडी हो गया है और अब हम इसे करेंगे पेंट। तो पेंट करने के लिए मैंने यहाँ पे गोल्डन कलर का स्प्रे पेंट का इस्तेमाल किया है। फ्रेंड्स, अगर आपके पास में ये स्प्रे पेंट ना हो तो आप किसी भी एक्रिलिक कलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसे इस पर अप्लाई करने के लिए, और इस स्प्रे पेंट की भी लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप उसके थ्रू भी परचेस कर सकते हैं या फिर आप नियरी शॉप में भी इसे बाय कर सकते हैं। सो इस तरह से हमारा फ्लावर रेडी हो गया है। इसे वॉल पे स्टिक करने के लिए मैंने यहाँ पर डबल साइडेड टेप का इस्तेमाल किया है। सो फ्रेंड्स, इस तरह के फ्लावर को आपको 2-3 साइजेस में भी बनाकर अपने घर के किसी भी कॉर्नर को डेकोरेट कर सकते हैं एंड ये बहुत ही प्यारा लगता है। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी को ये DIY आइडिया पसंद आई होगी और यूज़फुल भी होगी। सो फ्रेंड्स, अभी आपको करना है इसे लाइक और शेयर और अपना एक्सपीरियंस मेरे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है और इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिए। सो बाय एंड टेक केयर। बाय बाय।